Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievaya. So here it is 14th of September 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so let's take it. The first news is based on, as usual, China. The issue of China is on peak. Status quo on LAC after Jaishankar Wang meet. There is a freeze on all movement and activities along the line of LAC in Eastern Ladakh after External Affairs Minister S. Jaishankar met his Chinese counterpart. As हमारे जो Foreign Affairs Minister, External Affairs Minister हैं जयशंकर, S. Jaishankar, उनकी चाइनीज काउंटरपार्ट वांग यी से मीटिंग होने के बाद में फाइनली लद्दाख में जो कंडीशन है वो थोड़ी शांत हुई है. एक्टिविटीज़ जो भी चल रही थी, मूवमेंट चल रहे थे, वो अभी स्टॉप अप हो चुके हैं. एंड मॉस्को के अंदर ये मीटिंग हुई है सितंबर 10 को और वो लोग 5 पॉइंट्स पे जो है अपना, जो हम कह सकते हैं, जिन्होंने 5 पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर सल्यूशन को लेकर के और डिस्कशन किया है, वो लोग 5 पॉइंट्स पे जो है एग्री हो चुके हैं बेसिकली. ओके, द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल दी हिंदू. द हिंदू से सीनियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि स्टेटस को इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय द इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप. स्टेटस को जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति जो है बनी रहेगी, मतलब जैसे स्टेटस है वैसी ही सिचुएशन दोनों तरफ से बनी रहेगी. एंड चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के अंदर नॉर्थ और साउथ बैंक्स जो हैं पेंगोंग सो लेक के, वहाँ पे एज इट इज़ कंडीशन रहेगी. विथ सॉ रिन्यूड मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड व्हीकल्स एंड वेपन्स इन द पास्ट फ्यू डेज. पिछले कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ हुई हैं जिसके अंदर वेपन्स और व्हीकल्स और ट्रूप्स, ये सारी चीज़ों को मोबिलाइज किया है. काफ़ी इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल हो रहा था, काफ़ी गतिविधियाँ नज़र आ रही थी हमारी बॉर्डर पे. लेकिन अब जो पेंगोंग सो लेक के पास में है ना, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि आफ्टर द टॉक्स ऑफ एस जयशंकर एंड द चाइनीज काउंटर पार्ट, द सिचुएशंस आर समवेयर इन कंट्रोल एंड द सिचुएशन विल इज स्पेशली इट इज एज इट इज एंड स्टेटस को विल बी मेंटेन अकॉर्डिंगली. ओके, द साउथ बैंक विटनेस्ड फायरिंग. आपको पता है कि फायरिंग हुई थी 7 सितंबर और 30 अगस्त, दोनों ही दिन जो है फायरिंग भी हुई है वहाँ पे. 1975 के बाद पहली बार ऐसा घटित हुआ है जहाँ पे LAC पर फायरिंग हुई है, तो ये चीज़ भी हुई है. इससे पहले आपको पता है कि 20 भारतीय सैनिकों की जानें भी जा चुकी हैं. और भी कई सारी घटनाएँ इन दिनों अप्रैल मई से लगाकर अब तक जो है काफ़ी घटनाएं हुई है. इन सारी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए समवेयर दोनों की काफ़ी मीटिंग हुई है, इंडिया और चाइना की काफ़ी मीटिंग्स हुई है इन दिनों में. लेकिन अभी लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है उसके चलते सिचुएशंस काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रही है और स्टेटस को का जो सिंबल है, स्टेटस है, वो मेंटेन रहेगा. एज इट इज़ कंडीशन विल बी देयर एंड जो एक्टिविटीज़ है जो इतने टाइम से चल रही थी उन एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश की गई है. इंडिया हैज़ अक्यूज्ड चाइना ऑफ नॉट एडहरिंग टू द डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन प्लान एज अग्रीड ड्यूरिंग द मिलिट्री डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स. मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स के बेसिस पर जो ये डी एस्केलेशन या हम कह सकते हैं डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसीजर है जिसे फॉलो किया जाना था, तो वो चाइना नहीं कर रही है, जिसको लेकर इंडिया ने उन्हें अक्यूज़ किया है. एंड इन मैनी सेक्टर्स चाइनीज फोर्सेज आर विद इन इंडियाज परसेप्शन ऑफ द LAC. ओके, सो ऑल अबाउट इट एंड इससे रिलेटेड और भी आगे हम पढ़ेंगे आज ही के एक एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर जो है इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर डिस्कस किया गया, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इज मानसून सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है. यस, ओके, मानसून सेशन इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड मानसून सेशन फॉर स्टॉर्मी स्टार्ट इज़ हेयर. हाउसेज टू सिट इन अल्टरनेटिव शिफ्ट्स ऑफ 4 आवर ईच. ठीक है, 4 आवर ईच के बेसिस पे हाउसेस की शिफ्ट रहेगी, दोनों हाउसेस की, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेस की शिफ्ट जो है मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से 4 आवर्स की रहेगी. द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट डिलेड ड्यू टू द कोविड 19 एंड विल गेट अंडर वे
on Monday within strict safety protocols. Strict safety protocols के चलते ही आगे इसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा. COVID-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, को मद्देनज़र रखते हुए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो केसेस है या इसका प्रभाव पार्लियामेंट्री सेशंस पे ना पड़े, पार्लियामेंट में ना पड़े, मेंबर्स पे ना पड़े, उसको चलते हुए पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट किया जा रहा है. ठीक है, द 18-day सेशन विल बी देयर एंड अपोजिशन जो है काफ़ी एगर है गवर्नमेंट की तरफ से. सारे जितने भी लूप होल्स रहे हैं या इंडिया चाइना जो इशू है जिसे हैंडल कर रही है गवर्नमेंट अपने स्तर पे, तो उसे कैसे पॉइंट आउट करना है या उसको कैसे क्वेश्चन करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं. दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली राइट से रिलेटेड मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिनके लिए बिल्कुल जो है अपोजिशंस रेडी हैं. एंड द सेशन विथ 4-4 आवर सेटिंग ऑफ ईच हाउसेज इन शिफ्ट्स इंक्लूडिंग ऑन वीकेंड्स, एंड वीकेंड्स भी इंक्लूड होंगे. मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, रेगुलर सेशंस होंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई संडे या किसी और चीज़ का कोई ब्रेक नहीं होगा, रेगुलर सेशंस होंगे. एंड 0 आवर जो है उसको 30 मिनट का कर दिया गया है MPs के लिए, और पहले ये 1 आवर का था, पहले उसे रिमूव कर दिया गया था, लेकिन बाद में काफ़ी क्वेश्चन होने के बाद में रिटर्न आंसर्स के बेसिस पे इसे 30 मिनट्स का 0 आवर ऑर्गेनाइज किए गए हैं. ठीक है, द सेशन विथ 4 आवर सेटिंग ऑफ ईच हाउस इन शिफ्ट्स इंक्लूडिंग ऑन वीकेंड विल नॉट ओनली सी द गवर्नमेंट लाइनिंग अप 11 ऑर्डिनेंस विच वर क्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन. लॉकडाउन के समय जो 11 ऑर्डिनेंस जो क्लियर हुए हैं उनसे रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा, जो लूप होल्स है एज ऑफ नाउ सिचुएशन में, परिस्थितियाँ जैसे लेके चल रहे हैं हम लोग या गवर्नमेंट कैसे लेकर चल रही है, उससे रिलेटेड मुद्दे यहाँ डिस्कस किए जाएंगे. एंड 45 बिल्स जो हैं वो हाउसेस के अप्रूवल से जो क्लियर हुए हैं और यहाँ पे टेबल पे आएंगे, डिस्कस होंगे. एंड क्वेश्चन आर भी जो है हाफ आवर का रखा गया है, जिसके अंदर 0 आवर 30 मिनट 0 आवर रखा गया है MPs के लिए कि वो अपने इम्पोर्टेंट मुद्दों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है पुट अप कर सकते हैं राइट करके रिटर्न में. ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई है. एंड PMOs एंड एक्सप्लेनेशन दी कांग्रेस एक्सप्रेस्ड होप, कांग्रेस ने ये उम्मीद जाहिर की है कि PM नरेंद्र मोदी जो है वो दोनों हाउसेस के अंदर जो है अपने जिन मुद्दों को डिस्कस किया जाता है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस वहाँ पे देंगे. ठीक है, और स्पेशली चाइना से रिलेटेड जो मुद्दा है उसका एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है. तो मैंने आपको जैसा कि बताया अल्टरनेट शिफ्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आज से, आई थिंक आज ही से स्टार्ट होने वाला है 14 से, एंड जो कि 1st तक चलेगा. तो इस तरीके से पूरा प्लान किया गया है मॉनसून सेशन को जो COVID-19 के चलते लेट हो गया. ठीक है, द नेक्स्ट इज फ्रंटलाइन वर्कर्स विल गेट वैक्सीन फर्स्ट, सेड वर्धन. ओके, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने संडे को ये बताया है कि वैक्सीन रेडी होने के बाद में सबसे पहले वैक्सीन जिसे दी जाएगी वो होंगे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स और वो सारे लोग जो कि एडमिनिस्टर्ड डिपार्टमेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं COVID-19 से रिलेटेड सारे इशूज़ को. ठीक है, जैसे ही वैक्सीन आती है सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स और जो कमोबिडिटीज़ जो हैं जो कि एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं COVID-19 को, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी. गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग इमरजेंसी ऑथराइजेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन स्पेशली इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन. जिस तरह की कंडीशन हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर जैसे रिस्क है या जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हाई रिस्क के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग, तो उन सब की सिचुएशन और पोजिशन को कंट्रोल में लाने के लिए जो है को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मानी जा रही है. और जैसे ही वैक्सीन आउट होती है, जैसा कि उस पर वर्क चल रहा है, कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है लेकिन व्हेन इट विल बी आउट एंड फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी. तो इससे जो वैक्सीन आउट होती है इसके अंदर प्रायोरिटी जो है सीनियर सिटीजन्स को और स्पेशली हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी. ठीक है, to allay fears regarding the safety of the vaccine, the minister said he would volunteer to take the first shot if people have a trust deficit.
और हर्षवर्धन जी ने ये भी बताया कि जैसा कि वैक्सीन से सब डर भी रहे हैं, सबको डर भी है कि वैक्सीन वर्क करेगी या नहीं, या कोई नेगेटिव वर्क ना कर दे या नेगेटिव इफेक्ट ना कर दे, तो उसके पहले जो है पहला शॉट मैं लेने को रेडी हूँ। मतलब पहला जो वैक्सीन का जो वो है प्रोसीजर वो मुझ पर अप्लाई होगा, और अगर इससे सेटिस्फाई होते हैं तो ही आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अगर लोगों को विश्वास ना हो तो ये चीज़ के लिए भी मैं रेडी हूँ। द मिनिस्टर आंसर्ड क्वेरीज कंसर्निंग द सिचुएशन एंड गवर्नमेंट्स अप्रोच द लाइकली चेंजेस वन एक्सपेक्ट्स टू सी इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड एंड द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इट्स फैसिलिटेशन। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मुद्दे हैं उनको, उनसे रिलेटेड मतलब COVID-19 से, उससे, उसके वैक्सीन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके जवाब देने को एस जयशंकर इज सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, हर्षवर्धन इज टोटली रेडी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सेड दैट अगर लैक ऑफ डेफिसिट भी देखा जाता है तो आई एम रेडी टू टेक द फर्स्ट शॉट ऑफ दिस वैक्सीन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपेंड एंड व्हाट विल द नेक्स्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज द सेकेंड चेयर, कन्वेंशन ऑफ इलेक्टिंग द डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन शुड बी अपहेल्ड मोर देन अ ईयर आफ्टर 17th लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जस्ट अ मिनट या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज लाइंग वैकेंट। ओके, जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो वैकेंट है उसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। करीब 17 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हुए, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया है इस पोस्ट को वैकेंट करने का। दिस अनयूजअल सिचुएशन इज इन द स्पॉटलाइट एज द मानसून सेशन ऑफ ये जो घटना है डिप्टी स्पीकर के वैकेंट होने की, ये कब लाइम लाइट में आई, जैसे ही मानसून सेशन ऑर्गेनाइज करने की बात आई, उसे शुरू करने की बात आई मंडे को, है ना। राज्यसभा इज शेड्यूल्ड या शेड्यूल्ड टू इलेक्ट अ डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा शेड्यूल कर रही है डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करने का। वैकेंसी ऑफ डेप्यूटी स्पीकर अपीयर्स टू बी लेस ऑफ अ लैप्स एंड मोर अ कैलकुलेटेड डिले इन द रूलिंग बीजेपी। ऑन सेप्टेम्बर 9 द कांग्रेस लीडर बाई रूलिंग बीजेपी ऑन सेप्टेम्बर 9 सॉरी कांग्रेस लीडर इन द लोकसभा अधीर रंजन या अधीर रंजन चौधरी रोड टू स्पीकर ओम बिरला टू इनिशिएट द प्रोसेस। मैं आपको बता दूं कि अधीर रंजन जो है, अधीर रंजन चौधरी जी जो कि कांग्रेस लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने 9 सितंबर को ओम बिरला जी को जो है स्पीकर को एक लेटर लिखा था कि वो इस तरह का इलेक्शन इनिशिएट करते हुए डेप्यूटी स्पीकर की जो वैकेंट पोजीशन है उसे फिलअप करने का प्रयास करें। मिस्टर चौधरी ऑल्सो रिकॉल द कन्वेंशन ऑफ ऑफरिंग द पोस्ट ऑफ द पोजिशन। मिस्टर बिरला हैज़ बीन नॉन कमिटल इन हिज पब्लिक कमेंट ऑन द इशू एंड बीजेपी हैज़ रिमेंड साइलेंट। बीजेपी इस बात पर साइलेंट रही और ओम बिरला तो बिल्कुल नॉन कमिटल ही रहे इस मुद्दे पर। एंड सून आफ्टर 2019 की जनरल इलेक्शंस के जल्द ही बाद में गवर्नमेंट हैड मेड सम एफर्ट्स टू फिल द पोजिशन। सरकार ने कुछ प्रयास किए थे 2019 में जनरल इलेक्शन होने के बाद में, दे ट्राइड कि किसी तरीके से ये पोस्ट फिलअप हो जाए। इट हैड अप्रोच द वाई एस आर कांग्रेस को अप्रोच किया गया था विच रिपोर्टेडली टर्नड इट डाउन सिंस इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर नॉन अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए बेसिकली वाईएसआर सरकार को जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे कि वाईएसआर सरकार जो है इसके अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाए, वो डेप्यूटी चेयरमैन जो डेप्यूटी स्पीकर जो चुना जाएगा वो उन्हीं की सरकार से चुना जाए। तो ये प्रयास 2019 में जनरल इलेक्शन की बात किए, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना और सॉरी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो इशू है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये इशू की स्पेशल स्टेटस कैरी करने का
ऑक्यूपाई करने का. तो वो जो कंडीशन है, वो जो सिचुएशन है, उनकी केंद्र सरकार से जो हम कह सकते हैं आपसी मतभेद के आधार पर ये उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया. उन्हें लगा कि ये पोजीशन फिलअप होने के बाद में कहीं सरकार जो है इस पोजीशन के आधार पर या ये पोजीशन सरकार के आधार पर ना चले, तो उस आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है केंद्र सरकार पे वो कम हो जाएगा. ये सोचते हुए वाईएसआर गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया, जिस मुद्दे पर अब एज ऑफ नाउ जो है डिस्कशन किया जा रहा है. और 17th लोकसभा जो कि कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है, फाइनली इससे पहले ये मुद्दा सामने आया है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उसे अपॉइंट किया जाना चाहिए. इट विल बी द सेकेंड चेयर. ओके, सो द बीजेपीज प्रेमिनेंस, ओके, बीजेपीज प्रेमिनेंस हैज ऑल्सो डिवास्टेड द अपोजिशन विच इज स्ट्रगलिंग to muster a coherent and united response. Election by consensus of an opposition MP as deputy speaker of Lok Sabha will be a course correction. The government should be magnanimous and the opposition creative is dealing with this issue. Basically all about opposition and ruling party. So YSR, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके मेंबर को पहले सेलेक्ट करने की बात की जा रही थी, प्रपोजल भी रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ये सोचते हुए कि सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है हमारे, अगर हमारा डिप्टी जो होता है तो उसके बेसिस पर, डिप्टी स्पीकर के बेसिस पर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो प्रभावित होंगे, जिनकी हम डिमांड करते हैं वो केंद्र पर जाकर प्रभावित होंगे यदि हमारी पार्टी का लीडर इस तरीके से सेलेक्ट हुआ तो. और वही चीज़ें काफ़ी टाइम से दूसरी पार्टी पर भी चली आ रही है. तो इस बेसिस पर ये सी जो है, ये पोजीशन जो है अपने आप पे वैकेंट है. लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो इस वैकेंट पोस्ट को जल्दी से जल्दी फिलअप करने की कोशिश करें. ठीक है, द नेक्स्ट इज लॉन्ग होल अहेड. लॉन्ग हॉल अहेड बेसिकली क्या है, डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी अलोन कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लो डाउन. लॉकडाउन के कारण जो स्लो डाउन हुआ है उस वो सारी सिचुएशंस जो है वो सिर्फ एक डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी अपने आप में पर्याप्त है इन सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए जो अभी चल रही है. लॉकडाउन इंड्यूस्ड जो स्लो डाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन के चलते जो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा जा रहा है उससे ख़त्म करने के लिए अपने आप में फिस्कल पॉलिसी जो डिमांड सपोर्टिव हो, डिमांड को सपोर्ट करती हो. देखिए डिमांड जैसे ही रेज होगी ना, डिमांड रेज होते ही अपने आप से ऐसी फिस्कल पॉलिसी आएगी सामने, बनानी पड़ेगी, जिस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशंस को एंड करने में सबसे बड़ा हाथ जो है जिसका होगा. तो देखिए फैक्ट्री आउटपुट कंटिन्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई एंड albeit marginal slower than in June, reflecting the depressed economic condition. Depressed economic condition को देखते हुए जो कि pandemic के चलते देखी जा रही है, उसके कारण जो है marginal slower slowdown जो है देखने को मिल रहा है. तो factory output को continue करने की ज़रूरत है जुलाई से अब तक के, है ना, जो contraction देखा जा रहा है उसे अब जो है कंटिन्यू या उसको अब कहीं ना कहीं मैनेज करने की ज़रूरत है. क्विक एस्टिमेट्स फॉर द IIP शो आउटपुट अक्रॉस द 3 सेक्टोरल कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल श्रिंक, सभी श्रिंक हो चुके हैं, ड्रैगिंग द ओवरऑल इंडेक्स, ओवरऑल इंडेक्स को ड्रैग कर चुके हैं. और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ईयर टू ईयर कॉन्ट्रक्शन देखा जा रहा है 10.4% तक का. वाइल दिस इज़ स्लोअर दैन जून्स 15.8 श्रिंकेज, ये जो है ये जून के 15.8 के श्रिंक से भी काफ़ी स्लो है. अ क्लोजर लुक रिवील्स दैट द रीबाउंड इन मोमेंटम विटनेस्ड इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में जो है हमें फिस्कल से काफ़ी इसका वो दिखाई दिया था. और उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, जो कंडीशन अभी चल रही है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो चल रहा है या ये जो सिचुएशन चल रही है उसे वापस रीओपन करने का या इसे शार्पली आउटपुट देने का या इसको जो है रीजनरेट करने का जो सिचुएशन है वो सिर्फ ये है कि इस जो गिरी हुई इकोनॉमी है हमारी, जो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उसे ट्रैक पे लाने के लिए वी नीड टू गो थ्रू दोज आइडियाज़ जो फिस्कल पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं और डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी हो. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है, और इन सब चीज़ों का क्या एंड है, या जो हम कह सकते हैं ऑटोमेकर्स या अदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, प्लांट्स और मशीनरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को झेल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बिल्डअप करने की ज़रूरत है। जैसे ये चीज़ें बिल्डअप होती है, ये पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जनरेट होती है, डिमांड सपोर्ट स्पेशली, और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग या अदर यूनिट्स जो है अपने आप में ऊपर उठ कर आती है और उनका सिचुएशन जो है बेटर होती है, तो अपने आप में जो इकोनॉमी है वो बिल्डअप होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो जिस तरह की कंडीशन चल रही है, डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, और इसी से जो ये कंडीशन है उनको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। देन नेक्स्ट इज कोरोना वायरस फियर्स एंड प्रीकंसेप्शन एडवाइस, widespread community transmission, women in particular face a risk, health advisory is essential, health advisory की requirement है, महिलाएँ सबसे ज़्यादा risk को जो है face कर रही हैं, और transmission बढ़ता ही चला जा रहा है, widespread community transmission देखने को मिल रहा है, और कोरोना वायरस जो है उसका फियर बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए हमें प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है, प्रॉपर हम कह सकते हैं जो एसेंशियल एडवाइस है, किसके लिए हेल्थ से रिलेटेड एसेंशियल एडवाइस जो है उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, इन आर प्री ऑक्यूपेशन विथ मैनेजिंग द COVID-19 पेंडेमिक, वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ स्पेशल इशूज़ that may pose problem for women in the reproductive age group. Reproductive age group के तहत जो problems है women के अंदर हो रही है, उन सारी problems जो उजागर हो सकती है, उन सबको नहीं बढ़ने देना चाहिए, और उन special इस तरह के special issues पर COVID-19 से related जो भी जो हम कह सकते हैं management हो सकता है, उन्हें manage करने की ज़रूरत है। The special issues are of two kind, दो तरह के special issues है, one that relates to medical engagement of pregnancy and newborn care. देखिए, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा impact जो COVID-19 का है वो ओल्ड एज पे नज़र आ रहा है, जो कि एज ऑफ न्यूज़ है, एज अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ओल्ड एज पीपल एंड डेथ रेट्स, ओल्ड एज पीपल पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एक सेक्टर ऐसा है जो अभी लाइमलाइट में नहीं आया है, वो है प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड इशू। वुमेन पे बहुत ज़्यादा इन दिनों केसेस ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे वुमेन को जो है COVID-19 होता हुआ नज़र आया है, उसका इफेक्ट उनकी प्रेगनेंसी है, न्यूली बॉर्न बेबी पे भी, या जो अपकमिंग बेबी है उस पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो WHO द्वारा ये गाइडलाइन इशू की गई है, और ये गाइडलाइन इशू करते हुए WHO ने ये हमें बताया है कि हमें किस तरह की सिक्योरिटीज़ को मेजर करने की ज़रूरत है और किस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो प्रोटोकॉल, जिन तरह के प्रोटोकॉल्स की नीड है WHO को या हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उन्हें, वो फॉलो करना होगा, और फिर उसका फॉलोअप भी लेना होगा कि वो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड जो इशू है उसे यहाँ डिस्कस किया गया है। इन्फेक्शन का जो थ्रेट है उसे कट डाउन करने की यहाँ बात की जा रही है, उससे रिलेटेड जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने से जो हमें एडवांटेज होने वाले हैं वो क्या है, क्या वो रियली वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। और उसके अलावा वैक्सीनेशन पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और वैक्सीन आउट होने के बाद भी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। एंड या इट इज़ अ गुड थिंग दैट वी शुड गो फॉर दिस आर्टिकल, एंड बहुत अच्छा आर्टिकल है। COVID-19 पे क्वेश्चन अगर बनता है मेंस के अंदर, तो उसके लिए बहुत अच्छा UPSC मेंस के अंदर COVID-19 पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, हेल्थ सेक्टर में या साइंस से रिलेटेड जो सेक्टर है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको इस तरीके से फ्रेम कीजिए, इस तरीके से पढ़िए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और आपको ये भी समझ में आ जाए कि किन मुद्दों को उठाया जाता है, किन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। तो जब ये टॉपिक आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा COVID-19 से रिलेटेड, हेल्थ एडवाइजरी से रिलेटेड, या कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है COVID-19 से, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जो भी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के तरीकों को अपनाया जा सकता है, वो सारे तरीके यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। यू शुड गो फॉर इट। ओके,
तो ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसे कैसे रोका जाना चाहिए, और वुमेन हेल्थ, प्रेग्नेंट वुमेन या जो वुमेन हेल्थ केयर है उसको कैसे लाइमलाइट में लाना है या उस पर कैसे वर्क करना है, और उससे रिलेटेड जो फेस रिस्क फेस कर रही है सॉरी वुमेन, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ इन LAC टॉक्स फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। LAC से रिलेटेड जो टॉक्स हुई है उसमें पीस से लेके कॉन्फ्लिक्ट जो प्रिवेंशन की बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है। ये आर्टिकल मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपसे ये आर्टिकल पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। जो अभी रिसेंटली जो टॉक्स हुई है दोनों के बीच में स्टेटस को की जो सिचुएशन को लेकर के, पीस टॉक को लेकर के, LAC से रिलेटेड जो बातचीत हुई है, तो उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को जो है या उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, कुछ 5 पॉइंट्स जो एग्री किए गए हैं उनके, उनसे रिलेटेड जो प्रभाव है, उनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे रिलेटेड सारे इफ़ेक्ट्स और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो आप यू शुड गो फॉर इट। जो एग्रीमेंट्स इतने सालों के अंदर हुए हैं उनको क्या, उनका क्या इफ़ेक्ट देखा गया है रिसेंटली 1975 के बाद में, अल्टीमेटली अब जो है बंदूकें चली थी, फायरिंग हुई थी वहाँ पे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विचारात्मक मुद्दा है। एंड अनइम्प्लीमेंटेड आस्पेक्ट्स जो है उनको यहाँ डिस्कस किया गया है। एंड आफ्टर डोकलाम व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द इशू एंड व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बॉर्डर, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट, यू विल गेट इट एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत अच्छा इशू है, बहुत अच्छा टॉपिक है और सारे मुद्दों से अवगत करवाता है कि पिछले से अब तक जो है क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या इश्यूज हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई। ये सारे आर्टिकल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, देखिए मैं बहुत ज़्यादा जो है टाइम लेकर के वो सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ कि अलग से आपको बिल्कुल थाली तैयार करके दूँ कि ये जो है बिल्कुल GS 1 का क्वेश्चन है, ये टॉपिक GS 4 है, GS 3, मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, है ना, और हम बिल्कुल डेफिनेटली ये सब चीज़ें बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं आपको, लेकिन अल्टीमेटली वी नो वेरी वेल कि ये प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। जब तक आप लोग नहीं करेंगे आपको सब चीज़ें बनी बनाई मिलेगी, यू विल नॉट बी वेरी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर टॉपिक्स और एग्जामिनेशन। ओके, तो आप बिल्कुल, मैं इसीलिए सिर्फ टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करती हूँ, मैं इसीलिए आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ें आप एस्पिरेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स को उतना ही स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल दिस एंड, एंड आई वी विल बी हेयर अगेन बाय टुमारो। एंड डेफिनेटली आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बाय चांस कभी लेट हो जाता है तो डू मैनेज बिकॉज वी विल डू इट, एंड जल्दी से जल्दी आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, एनालिसिस प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि आप न्यूज़पेपर को एनालाइज कर सकें ईजीली। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड होप यू ऑल आर एंजॉइंग। इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।